बॉलीवुड के लिए साल दिसंबर का महीना काफी अच्छा रहा है, जहां एक से बढ़कर एक शादियां हुई। वहीं साल खत्म होते होते कुछ फिल्मों के ट्रेलर ने धमाल मचा दिया है। इस हफ्ते 3 बड़े ट्रेलर रिलीज हुए, नवाजुद्दीन की फिल्म ठाकरे, अनिल कपूर और सोनम कपूर की फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बायोग्राफी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। पहले हम बात करेंगे फिल्म ठाकरे की। आपको बता दें कि ठाकरे हिंदी के अलावा मराठी ट्रेलर भी लॉन्च हुआ है। 1.5 मिनट के इस ट्रेलर को देखकर कहा जा सकता है कि फिल्म देखने की उत्सुकता दर्शकों में काफी बढ़ गई है। इस फिल्म को संजय रावत ने लिखा है, जिसे आप 25 जनवरी को पर्दे पर देख सकते हैं। लॉन्चिंग के मौके पर मौजूद इसमें ठाकरे यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया, आखिर ये फिल्म उनके दिल के बेहद करीब क्यों है। इस फिल्म के ट्रेलर को एक ही दिन में 7 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। और अब आगे हम बात करेंगे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ट्रेलर की। अनिल कपूर, सोनम कपूर और राजकुमार राव की फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अनिल कपूर अपनी बेटी के साथ पर्दे पर दिखाई दे रहे हैं। सोनम कपूर के अपोजिट राजकुमार राव नजर आ रहे हैं। फिल्म जूही चावला का अहम रोल है, जिसकी जोड़ी अनिल कपूर के साथ बनी है। ट्रेलर की एक खास बात यह है कि सोनम कपूर एक बार फिर अपनी खूबसूरती से दर्शकों का दिल जीत सकती है। टू लव के रास्ते में कोई न कोई स्यापा होता है, जब जाकर कहीं बनती है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। और स्यापा क्या होने वाला है, इसकी ट्रेलर के बीच बीच में झलक देखने को मिलती है, और इसे समझ पाना आसान नहीं होता। पूरे ट्रेलर में सोनम की शादी की बात हो रही है, और घर वालों को लगता है कि वो राजकुमार राव से प्यार करती है, तो ये कहानी तो एक अलग ही मोड़ दिखाती है। ट्रेलर को अच्छे से देखा जाए तो हमें एंड में पता चलता है कि सोनम को एक लड़के से नहीं बल्कि एक लड़की से प्यार होता है, यानी कि मूवी में सोनम लेस्बियन है। और ये बात पता चलते ही उनके पिता बने अनिल कपूर गुस्से से तिलमिला जाते हैं, और सोनम कपूर के इस ट्रेलर को एक ही दिन में 4 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। वैसे अब आगे बात करेंगे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बायोग्राफी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में मनमोहन सिंह की भूमिका में अनुपम खेर है। फिल्म के ट्रेलर का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के चक्कर में अनुपम खेर की फिल्म का ट्रेलर रिलीज नहीं हो पा रहा था। हालांकि फैंस का इंतजार अब खत्म हो गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मनमोहन सिंह की भूमिका में अनुपम खेर जच रहे हैं। उन्होंने इस किरदार को निभाने के लिए कितनी मेहनत की है, ये ट्रेलर देखकर आपको पता चल ही जाएगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँ। इस वीडियो में इतना ही। मैं योगिता शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली से।